आप में से कई लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, जैसे मैंने अपनी जो सीए की जर्नी करी है वो पूरी सेल्फ स्टडी बेसिस पे की है और कोई भी कोचिंग नहीं ली, राइट। तो लोग मुझसे कई बार ही कहते हैं कि आप उसको शेयर कीजिए सो दैट दूसरे स्टूडेंट की मदद हो सके, और वो भी अगर कोई और स्टूडेंट भी सेल्फ स्टडी करके सीए करना चाहता तो कैसे करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिटरली गिव अ थैंक्स टू ऑल ऑफ दी पीपल। 50,000 लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, 50,000 लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, 50,000 लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, और 50,000 लोगों को लगता है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ किसी भी तरीके से अपना कॉन्टेंट उन तक पहुँचा के और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो उसके लिए सीरियसली मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ आप सभी का। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया, जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, राइट, और बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही संघर्ष के बाद जो है इस चैनल पर ग्रो हुआ मैं, और थोड़ा बहुत मतलब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और हमेशा इंटेंशन था कि बस लोगों की हेल्प हो सके किसी भी तरीके से, राइट। क्योंकि चैनल स्टार्ट करने का पर्पस बड़ा ही सिंपल था कि जो प्रॉब्लम मैंने अपने आर्टिकलशिप या पूरे सीए करियर के दौरान फेस करी, मैं सीरियसली नहीं चाहता था कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई और स्टूडेंट बिल्कुल भी फेस करे, बिकॉज हम लोग जैसे सीए कर रहे हैं, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो कनेक्टेड है मुझसे वो सीए कर रहे हैं, या फिर अगर सीए के अलावा कोई और कोर्स भी आप कर रहे हैं, लेट्स से सीएस या सीएमए, तो ये जो कोर्सेज है जैसा कि आप जानते हैं ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज है। हम लोग और इंस्टीट्यूट आपस में कनेक्टेड नहीं है, बहुत गैप आ जाता है कभी कभी, और कई ऐसे सिचुएशन, कई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट की जो बातें होती हैं, इंस्टीट्यूट की रेगुलेशन पॉलिसीज किसी भी चीज़ का कई बार स्टूडेंट को पता नहीं होता, राइट, या फिर पता होता है तो उनको आधी अधूरी नॉलेज होती है, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि उनका जो कई तरह के उनके लॉस हो जाते हैं। वो लॉस क्या होते हैं, कई बार उनका अटेम्प्ट चले जाता है, आर्टिकलशिप डिले हो जाती है, राइट, सीए बनने में देरी हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कई तरह के लॉसेस हो जाते हैं। तो जब मैं सीए कर रहा था तो मैंने देखा कि लोगों को प्रोसीजर्स पता नहीं है, लोगों को सही गाइडेंस ही नहीं मिली हुई कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर इस तरह की चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है कि मैं सभी तरह के प्रोसीजर्स एंड मतलब मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करी और जो उनसे एक्सपीरियंस मुझे मिला, अगर मैं किसी को पहले बता सकूं तो और उनकी हेल्प हो सके और उनको ये प्रॉब्लम ना आए तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, अपनी एक्सपीरियंस से तो हर कोई सीखता है, लेकिन अगर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं तो आप अपना बहुत ही मेजर टाइम बचा रहे हैं ज़िंदगी में, राइट। तो आपको बस वही करना है, आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना है और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो लोगों के साथ शेयर करने हैं और उनकी आगे मदद करनी है। आपकी जो लाइफ का पर्पस है वो केवल मदद होना चाहिए दूसरे की, कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो आगे कोई और फेस ना करे। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी, और जब ये चैनल बनाया था तो मुझे बिल्कुल उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं था कि ऐसे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लोगों से इतना प्यार मिलेगा, कॉमेंट आएंगे, और अब जो मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं और ईमेल्स, राइट, और कई लोग तो सीधा फ़ोन भी कर लेते हैं, तो इस चैनल्स के थ्रू मुझे रीच आउट करते हैं। और बींगा क्वालिफाइड सीए, लिटरली थोड़ा प्रोफेशनल वर्क में मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड रहता हूँ, बट उसके बाद भी आई एम फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि मैं हर एक कॉमेंट का, हर एक ईमेल का, हर एक मैसेज का जवाब जरूर से ज़रूर दूँ, चाहे मुझे आंसर पता हो या ना पता हो, आई लिटरली ट्राई टू गाइड यू कि हाउ यू कैन गेट द आंसर, हाउ योर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, अदर किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बताएं। तो लोगों ने मुझे अप्रोच किया, कहा कि सचिन आपका कॉन्टेंट सीरियसली बहुत अच्छा है, यूनिक है, कि जो कोई और नहीं दे रहा वो आप दे रहे हैं, चाहे वो प्रोसीजर हो, चाहे जॉब रिलेटेड थिंग्स हो। बट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप थोड़ा सा मेंटरिंग सेशन लीजिए, मोटिवेशन सेशन लीजिए, अपनी लाइफ स्टोरीज बताइए, अपने स्ट्रगल्स बताइए, या फिर अपनी सीए जर्नी बताइए और कैसे आपने पढ़ाई करी। क्योंकि मुझे लगता है आप में से कई लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, जैसे मैंने अपनी जो सीए की जर्नी करी है वो पूरी सेल्फ स्टडी बेसिस पे की है मैंने, और कोई भी कोचिंग नहीं ली, राइट। तो लोग मुझसे कई बार कहते हैं कि आप उसको शेयर कीजिए सो दैट दूसरे स्टूडेंट की मदद हो सके, और वो भी अगर कोई और स्टूडेंट भी सेल्फ स्टडी करके सीए करना चाहता तो कैसे करें। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको इस तरह की वीडियो भी चाहिए, लाइक मोटिवेशन, या फिर कैन आई शेयर माय जर्नी, या कैसे मैं आपको गाइड कर सकूँ, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट काइंड ऑफ वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी सीरियसली थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों।